हेलो एवरीवन रेसिपी एंड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है बनाते हैं आज हम छोले भटूरे छोले भटूरे बनाने के लिए यहाँ मैंने छोलों को भिगो दिया था दो घंटे पहले और डेढ़ कटोरी छोले लिए हैं यहाँ मैंने और ये मैं आप कुकर में डाल देती हूँ अच्छे से साफ़ कर लिए थे और धो लिए थे और डेढ़ कटोरी के हिसाब से छः कटोरी यहाँ मैंने पानी डाल दिया है आप एक कटोरी डाल दें या चार गुना पानी डाल दें तो डेढ़ कटोरी के हिसाब से यहाँ मैंने छः कटोरी पानी डाल दिया है यहाँ कुछ डाले हैं तेज पत्ते और यहाँ मैंने डाला है होम मेड आंवला पाउडर और होम मेड ही डालिए आप आंवला पाउडर बाजार का मत डालिए और इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए लेकिन अब तो समर सीजन है तो आंवला पाउडर आप नहीं बना पाएंगे तो विंटर में आप जरूर बनाइए और स्टोर कीजिए यहाँ मैंने डाल दिया है नमक नमक डालने के बाद कुकर को बंद कर दिया है और गैस पर चढ़ा दिया है लगभग आधा घंटे आधे घंटे के बाद ये तैयार हो जाएंगे गल जाएंगे आपके छोले तब तक छोले गलते हैं तब तक हम ये आटा तैयार कर लेते हैं भटूरों के लिए भटूरों के आटे के लिए यहाँ मैंने लिया है मैदा दो कटोरी और दो कटोरी के हिसाब से एक छोटी सी कटोरी यहाँ मैंने ली है सूजी लगभग तीन से चार चम्मच सूजी होगी इसमें दो कटोरी के हिसाब से तो सूजी को इसके अंदर छान लें सूजी छानने के बाद यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें नमक नमक डालने के बाद यहाँ मैंने डाली है एक चम्मच के करीब चीनी बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर डालने के बाद यहाँ मैंने डाली है चीनी सॉरी मैंने पहले बोल दिया था चीनी वो बेकिंग पाउडर था और अब मैंने डाला है यहाँ पर दही एक कड़छी के करीब यहाँ पर दही डाली है तो इन सब को आप अच्छे से मिक्स करें दही डालने से इसका खमीर अच्छे से उठेगा और जो आपका भटूरा है वो अच्छी तरह से फूलेगा तो डो तैयार कर लीजिए आप पानी के साथ नॉर्मल पानी के साथ आपको इसको गूंथना है तो नॉर्मल पानी डालकर इसको आटे की तरह गूंथ ले ना ज़्यादा पतला और ना जा और ना ही ज़्यादा टाइट तो यहाँ मैंने आटा गूंथ लिया है ये देखिए तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे गीले कपड़े के साथ ढक कर लगभग दो से तीन घंटे के लिए रख देते हैं मैंने दो घंटे के लिए रखा है इसे लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक रख रख पाएँ तो रखें ताकि अच्छी तरह इसका खमीर उठे और ये भटूरा अच्छे से फूले लगभग पाँच से छः घंटे भी आप इसे रख सकते हैं तो आपका आटा ज़्यादा अच्छा बनेगा और भटूरा अच्छे से फूलेगा तो ढक कर रख दीजिए और देखते हैं यहाँ हमारे छोले हाँ जी छोले गल चुके हैं तो छोलों के लिए तड़का तैयार करते हैं तड़के के लिए यहाँ लिए हैं मैंने चार से पाँच प्याज तीन से चार टमाटर और दो से तीन हरी मिर्च इनको ग्राइंड कर लेते हैं प्याज और हरी मिर्च को इकट्ठा ग्राइंड करें और टमाटर की अलग प्यूरी बना लें तो प्याज और हरी मिर्च को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है तो प्याज और टमाटर को अलग अलग आप ग्राइंड कर लें अब यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई कढ़ाई के अंदर डाल दिया है तेल सरसों के तेल में बना रही हूँ तो लगभग तीन कड़छी के करीब यहाँ मैंने लिया है तेल और तेल गर्म हो चुका है इसमें मैंने डाल दिया है जीरा जीरे को थोड़ा सा भून लेते हैं एक सेकंड के लिए अब यहाँ डाला है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसको भी हम एक मिनट के लिए भून लेते हैं एक से दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची अब इसमें डाल देते हैं हम प्याज ग्राइंड करके रखे हुए थे ना जो तो वो इसमें डाल दीजिए प्याज को हल्का ब्राउन होने तक आप इसी तरह से भून लें प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है इसमें हम डाल देते हैं नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक डाल दीजिए लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा सूखा धनिया और यहाँ डाली है मैंने थोड़ी सी हींग अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें इसे यहाँ मैंने डाल दिया है एक से डेढ़ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची तीखी नहीं होती ये कलर के लिए डाल दिया है और यहाँ डालिए दो चम्मच के करीब चना मसाला छोले बना रहे हैं चने बना रहे हैं तो चना मसाला डाल दीजिए आप इसमें दो चम्मच मिक्स करें अच्छी तरह से यहाँ थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है और इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है कसूरी मेथी पड़े पड़े कई बार थोड़ी सी मॉइस्चर हो जाता है इसमें तो क्या कीजिए आप तवे पर थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए या फिर इसे अवन में एक से दो सेकंड के लिए चला लीजिए तो आपकी ये ड्राई हो जाएगी तो इसमें प्यूरी डाल दी है टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें इसे तो टोमेटो प्यूरी डालने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि ये आपका मसाला अच्छे से पक जाए और जब ये पानी थोड़ा सूख जाएगा फिर से आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए लगभग एक गिलास के करीब आपका पानी लग जाएगा इसमें और ये मसाला अच्छे से पक जाएगा जितना आप मसाले को पकाएंगे उतनी आपकी सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा इस बात का ध्यान रखिए मसाला पकना ज़रूरी होता है हर सब्ज़ी में हर सब्ज़ी में अगर आप मसाला पकाएंगे अच्छी तरह से उसको टाइम देंगे तो आपकी सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है इस सब्ज़ी में तो ज़ूम करके दिखाती हूँ मैं ये आपको ये देखिए है ना कर रहा है ना खाने का मन तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके आप मसाले को पका लीजिए तो तैयार हो चुकी है ये हमारी ग्रेवी चने के लिए अब इसमें मैं डाल देती हूँ चने थोड़े से चने जो मैंने यहाँ पर लिए हैं उनको थोड़ा सा मैं मैश कर दूँगी ताकि ये जो हमारी ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाए इनको हल्के हल्के कड़छी से ही अच्छी तरह से मैश कर दूंगी लगभग एक कड़छी यहाँ मैंने चने लिए थे और इसको अच्छे से मैश करके इस ग्रेवी के अंदर पहले डाल दीजिए तो ये इसके अंदर अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और उसके बाद आप जो हमने चने तैयार करके रखे हैं उबाल के रखे हैं तो वो इसके अंदर डाल दीजिए अब ये सारे चने इसी तरह से मैं इस मसाले में डाल दूंगी सभी चने हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और ऊपर से डाला है यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ मैंने हरा धनिया डाल दिया है धोकर अच्छे से काट कर हरा धनिया डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें और अगर आपको छोले पतले खाने हैं तो थोड़ी देर में आप गैस बंद कर दें अभी इसमें पानी है तो थोड़ी देर में इसको पका लूँगी और थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए सूख जाए तो फिर गैस मैं बंद कर दूँगी इसको मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है और देखते हैं अब हमारे चने तैयार हुए हैं या नहीं वाओ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि आपको मैं बता तो नहीं सकती लेकिन आप ट्राई कीजिए और खुद खुद इसकी खुशबू का मज़ा लीजिए इसी तरह से जैसे वीडियो में मैंने बताया है सेम इसी प्रोसेस से अगर आप चने बनाएंगे तो आपको भी इसी खुशबू का एहसास होगा और ज़रूर ट्राई कीजिए इन चनों को तो तैयार हो चुके हैं गैस मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है चलिए बनाते हैं भटूरे तो आटा यहाँ हमारा रेडी हो चुका है लगभग दो घंटे के करीब यहाँ मैंने आटा पक बना कर रखा था तो आटे को अब हमने इसे अच्छी तरह से पटक पटक कर और इसे सॉफ़्ट करना है ताकि हमारे भटूरे बहुत ही अच्छी तरह से फूले तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये आटा देख सकते हैं आप अब हम इसकी छोटी सी लोई लेंगे बिल्कुल छोटी सी और भटूरा तैयार कर लेंगे डस्टिंग के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है जितना हम रोटी का पेड़ा लेते हैं ना उससे थोड़ा सा कम ले लेंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर इसे हम बेल लेंगे तेल यहाँ मैंने गरम कर लिया है और फुल फ्लेम पे ही आपको ये तलने हैं फ्लेम को लो नहीं करना पहले आप तेल को अच्छे से गरम कर लें और एक ही दम अच्छे से गरम करने के बाद आप एकदम भटूरा ना डालें पहले फ्लेम को लो कर लें फिर उसके बाद फिर फ्लेम को हाई करें और फिर आप भटूरा तलें तो ये देखिए फूल चुका है यहाँ भटूरा एक और बनाकर बताती हूँ आपको ये देखिए कितनी अच्छे से हमारे भटूरे फूल रहे हैं अगर आप आटे को और ज़्यादा देर तक रखेंगे तो आपके और अच्छी तरह से भटूरों को का टेस्ट अच्छा आएगा क्योंकि उसमें खमीर हो जाता है तो और अच्छा टेस्ट आता है ज़रूर बनाइए आप भी घर पर भटूरे और फीडबैक दीजिए मुझे कि कैसे बने आपके भटूरे और छोले तो आप भी बनाइए घर पर छोले और भटूरे और लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को आपको नई नई रेसिपी मिलती रहेंगी इसी चैनल पर तो मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर खुश रहे स्वस्थ रहे मस्त रहें